नमस्कार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कहते हैं कि कण कण में ईश्वर हैं, कहीं भी किसी भी रूप में मिल ही जाते हैं। एक युवती जो साथ जीने मरने की कसम खाकर प्रेमी के साथ गुड़गांव गई थी, लेकिन उसे गर्भवती करने के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़कर फरार हो गया। जब वह घर लौटी तो माँ बाप उसे उल्टा घर से निकाल दिया। न्याय के लिए दर दर भटक रही थी कि मुलाकात रानी की सराय थाने में तैनात दरोगा सुल्तान से हुई, जो उसके लिए भगवान बन गए। दरोगा ने युवती की आपबीती सुनने के बाद उपनिरीक्षक सुल्तान सिंह ने रानी की सराय थाना प्रभारी रामायण सिंह को इसकी जानकारी दी। थाना प्रभारी रामायण सिंह ने मानवता का परिचय देते हुए प्रेमी और उसके परिवार को शादी के लिए राजी किया। वहीं दरोगा सुल्तान सिंह ने खुद एक पिता की तरह मंदिर में युवती का कन्यादान किया। थाना प्रभारी रामायण सिंह के नेतृत्व में दरोगा सुल्तान सिंह एवं पुलिसकर्मियों ने अपनी शक्ति के अनुसार उसे उपहार भी भेंट किया। थाना प्रभारी रामायण सिंह एवं दरोगा सुल्तान सिंह के इस नेक काम की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। बस यही कारण है कि काश यूपी पुलिस का हर अधिकारी कर्मचारी थाना प्रभारी रामायण सिंह एवं दरोगा सुल्तान सिंह जैसा होता। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला रानी की सराय क्षेत्र के चांदी टीकर गांव निवासी शिवा गुड़गांव में रहकर इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। बताते हैं कि कुछ दिन पहले प्रेमी घर आया तो क्षेत्र के ही एक गांव की युवती से प्रेम हो गया। इसी दौरान युवती अपने जीजा के घर गुड़गांव गई। इसकी जानकारी होने पर प्रेमी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और दिल्ली में रख दिया। कुछ दिन बाद शिवा उसे छोड़कर फरार हो गया। प्रेमिका को जब पता चला कि उसका प्रेमी अपने गांव चला गया है, इसके बाद वह गांव आकर शिवा से मिली तो उसने शादी से इनकार कर दिया। प्रेमिका ने अपने पिता के घर गई तो पिता एवं घर वालों द्वारा घर में रखने से इनकार कर दिया गया। अब युवती न तो अपने परिवार की रही न ही प्रेमी का, वह इधर उधर भटकती रही। इसके बाद मजबूरन होकर रानी की सराय थाने में युवक के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया। दोनों पक्षों के बीच पंचायत के बाद भी कोई फैसला नहीं हो पाया। इसके बाद भी इस मामले को देख रहे दरोगा सुल्तान सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिवा और उसके परिवार वालों को समझा बुझाकर शादी के लिए राजी कर लिया, लेकिन युवती के परिवारों के लोग नहीं माने। फिर क्या था, सुल्तान सिंह ने सुबह पिता की जिम्मेदारी का निर्वाहन किया और मंगलवार की दोपहर रानी की सराय पोखरा स्थित दुर्गा मंदिर में दोनों की शादी करा दी। सुल्तान सिंह ने कहा कि उसके पास शिकायत लेकर आई थी, उसकी हालत देख उन्हें लगा कि कुछ करना चाहिए। उन्होंने लड़के वालों को शादी के लिए राजी किया और दोनों की शादी करा दी। थाना प्रभारी रामायण सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुल्तान सिंह के देखरेख में शादी संपन्न हुई और प्रेमी जोड़े एक दूसरे को हो गए। आइए देखते हैं आजमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की खास रिपोर्ट। सर, जो मंदिर पर शादी आपके नेतृत्व में हो रही है, सर क्या मामला था, इस पर क्या सर आपका कहना चाहते हैं? ये एक लड़की है अमिता कुमारी, जिसके पिता राजा राम और ये रहने वाली अपनी साहब कुंदनपुर की है। ये परसों दिनांक 25 को मेरे पास प्रार्थना पत्र लेकर आई थी कि मेरा शिवा लड़के से प्रेम प्रसंग था और हम दोनों दिल्ली रह रहे थे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये मुझे उसी हालत में छोड़कर भाग आया। उसके बाद मैं घर आई तो मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ऐसे में मैंने मानवता के नाते और लड़की की जो है सुरक्षा के नाते, अभी जो अभियान चल रहा था उसी के तहत 10 नंबर में भी इसका प्रार्थना पत्र मुझे मिला था, तो मैंने काफ़ी अथक प्रयास किया, इसके परिवार को भी मनाया, लड़के के परिवार को मनाया और कल शाम इस लड़के को तलाश करके आज मंदिर में इन दोनों की शादी करा रहा हूँ। और मैंने अपना पैसा खर्च करके कन्यादान भी किया है और कुछ सामान भी लड़ी। सर, आपके द्वारा बच्ची का कन्यादान भी किया गया है, क्या आपने अपने तरफ से इस बच्ची का विधान पर कुछ दिया गया है? हाँ, मैंने चूँकि बच्ची अकेली थी, परिवार का कोई मौके पर इसके आ नहीं पाया था, तो कन्यादान की रस्म भी मैंने निभाई है और जो शादी के मौके पर उचित सामान होता है उसकी व्यवस्था मैंने अपनी तरफ से अपने वेतन से की है।
और मुझे बड़ी खुशी मिली है, लड़की की मदद हो गई, वो खुशी से अपने पति के साथ अपने घर ससुराल चली गई।